जयवीर सिंह ने कितना इस जिले में काम कराया है और कितनी हम कहना नहीं चाहते वो चीजें। गाँव को इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जो बेसिक चीज है ये करनी चाहिए बात है, मगर कोई नेता इस बात पे करता ही नहीं कुछ। जितने भी पेपर हुए सब लीक हो गए, इस पे क्या कहना है? इस पे तो गिरती है ना आपकी पार्टी सर। नहीं वो भी बात आपकी वाजिब है, लेकिन जो आपने कहा है ना पेपर लीक हो गया, वो तो ऐसे समाजवादी टाइम में भी काफी लीकेज हुए हैं। पूरी अगर समाज की बात करें तो बीजेपी मुझे ठीक लगती है, इसमें थोड़ी गुंडागर्दी कम है। आपकी सरकार तो इसी बुनियाद पे आई थी ना कि आप हर चीज तो सुचारू ढंग से चलाएंगे, फिर जवाबदेही तो आप ही की बनती है। जवाबदेही बनती है लेकिन हर विषय पर पहलू नहीं है, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। किसान इतना परेशान है, दिन भर काम करता है, रात में गाय और साढ़ खेतों सब कर रही है, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। इस वक्त मौजूद है मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पे लोगों की राय जानेंगे कि आखिर डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है वो अपनी किस्मत को आजमा रही है, और भाजपा से जयवीर सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण है, किस तरह के लोग यहाँ की जनता इस सीट पे किसको चुनेगी, क्या उनका माहौल है। यहाँ पे एक हम दुकान में मौजूद हैं, आलू का भुर्ता बन रहा है, क्या बना रहे हैं भैया? ये आलू का भुर्ता ये लोग पसंद करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, बहुत हाँ पसंद करते हैं यहाँ पे, बहुत। यहीं के रहने वाले हो? हाँ। चुनाव का क्या माहौल है, चुनाव में किसको आदमी पसंद कर रहा है, डिंपल यादव या जयवीर सिंह? जयवीर सिंह। ऐसा क्यों? अपनी अपनी पसंद है। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक साहब और है, क्या तल रहे हैं भैया? कचौड़ी तल रहे हैं भाई साहब। काफी अच्छी दुकान है आपकी। जी। अच्छा ये बताइए चुनावी माहौल क्या चल रहा है यहाँ मैनपुरी का? यहाँ का कुछ पता नहीं है कि ऊँट किस करवट बैठे हैं कोई नहीं जान सकता, अभी कुछ नहीं पता। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है यहाँ से? अभी तक तो हमेशा उन्हीं की सीट रही है, इस बार थोड़ा माहौल लग रहा है लेकिन कुछ पता नहीं होता चुनाव का, लास्ट टाइम क्या हो जाए कुछ पता नहीं। नहीं ये बताइए अभी फिलहाल मैनपुर में क्या चर्चा हो रही है, आपकी तो दुकान है यहाँ पे लोग खाने आते होंगे, क्या लोग बात करते हैं? तो भाजपा ही जैसे ज़्यादा लग रही है मुझे। भाजपा? जी जयवीर सिंह जी की। ये तो सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन चर्चा भाजपा ही। आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर ये है, गढ़ की बात तो मैं नहीं कह सकता। जी जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर। भाऊजी है यहाँ पे, भाऊजी क्या शुभ नाम है आपका? भुवनेंद्र जैन। भाऊजी क्या माहौल है इस वक्त मैनपुरी का? मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ तक हमने क्षेत्र का कवर किया है स्थिति तो बहुत संघर्षपूर्ण है। किसकी? दोनों की स्थिति संघर्षपूर्ण है, कुछ भी हो सकता है। ये इस चुनाव में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। क्या संभव है, डिंपल यादव या जयवीर सिंह? जयवीर सिंह संभव है, बिल्कुल निकल सकते हैं। ये तो सीट जो है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, मुलायम सिंह यहाँ से कई बार सांसद रहे, उनके देहांत के बाद उपचुनाव में डिंपल यादव यहाँ से जीती, फिर डिंपल यादव यहाँ जीती, वो तो दावा कर रहे हैं हम यहाँ से जीत रहे हैं। नहीं वो तो अपने जो उनका इतिहास है जीतने का उसके आधार पर वो बोल रहे हैं, एक जातीयता के आधार पर, लेकिन इस चुनाव में माननीय मोदी और योगी जी ने जातीयता के सभी भेदभाव खत्म करने का काम किया है। इस वक्त एक शॉप पे है, मैनपुरी की एक शॉप है, पार्ट्स की दुकान है ये, एक भाऊजी मिल गए। भाऊजी क्या शुभ नाम है आपका? मुझे बलवीर सिंह कहते हैं सर। भाऊजी क्या माहौल चल रहा है मैनपुरी? यहाँ एक तरफा चुनाव जो है सपा के पक्ष में, जो इंडिया गठबंधन है उसके पक्ष में एक तरफा वोट पड़ रहा है, कोई भी किसी योगी मोदी और ये जो इन लोगों को कोई फैक्ट्रियाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई भी मैनपुरी में ऐसा काम नहीं कराया है जिसकी तहत ये वोट मांग सके। मौजूद भी मैंने कुछ लोगों से बात की, वो तो कह रहे हैं जयवीर सिंह यहाँ से एक तरफा निकल रहे हैं, आपकी गढ़ जो है वो टूट जाएगा। ऐसा है सर, 4 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। जयवीर सिंह ने जो दो तीन साल में बोया है उससे यहाँ की जनता जो है 7 तारीख को बता देगी कि जयवीर सिंह ने कितना इस जिले में काम कराया है और कितनी हम कहना नहीं चाहते वो चीज़ें जो कितना उन्होंने यहाँ होके सारी जातियों को और तमाम ज़मीनों पर उन पर कब्जा किया है,
एक काम बता दें, जयवीर सिंह जो मैनपुरी में मूर्तियों लगवाने के अलावा किया हो, जनता के हित में जो वादा किए थे, एक वादा बता दें बीजेपी के हमने पूरा किया है। जो भी यहाँ विकास कार्य हुआ है वो सब माननीय नेताजी सर उनके मुलायम सिंह के, चाहे यहाँ सैनिक स्कूल हो, चाहे आपका बस अड्डा हो, जो 100 सैया अस्पताल हो, चाहे 29 पुल हो, जो भी यहाँ जितने चाहे 4 लाइन हो, जो भी कार्य हुआ है वो सपा कार्यकाल में हुआ है। लेकिन बाबूजी बीजेपी तो कहती है कि हमने विकास की नैया बहादी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, कहीं ना कहीं हमने जो ऐसे काम कर दिए हैं जो कोई सरकार नहीं कर सकती है, और बीजेपी तो 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है यहाँ पे। ये अब ये तो 7 तारीख बताएगी, 80 में बिंदी हटा दो आप। भाजी क्या माहौल चल रहा है इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। अरे नहीं, आप यहाँ के निवासी हैं, वोट डालते हैं, कई लोग आपके पास आते होंगे, कम से कम अपनी राय तो दीजिए। अच्छा बताइए, विकास कितना हुआ है मैनपुरी में? विकास तो वो जो पहले का वही है, और कोई यहाँ उससे ज्यादा आगे नहीं हुआ, बस इतना तो हमें मालूम है। लॉ एंड ऑर्डर हो गया, आप लोग तो सही है, इस समय पहले था वो उदम अब नहीं है, बस इतनी बात तो हम मानेंगे। इन मुद्दों पे बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं, इसकी बातें नहीं हो रही हैं, वो तो वो जैसे समान रूप से वैसे ही चलते रहते हैं, कोई उस पर बात नहीं होती है। तो नेताओं को इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जो बेसिक चीज है ये करनी चाहिए बात है, मगर कोई नेता इस बात पे करता ही नहीं। कुछ इन बातों पे नेता वोट मांगते हैं? कुछ वह नहीं, बस अपने आप अपने ऊपर ही बस वोट मांग लेते हैं, जो जिसको जिसको जान देना वो दे आए आके। माहौल नहीं बताएंगे? नहीं, माहौल नहीं बता सकते। भाजी आप तो बीजेपी के हैं, यहाँ पे तो चचा कह रहे हैं कि सपा एक तरफा यहाँ से जीत रही है। ऐसा संभव नहीं है, अब की चुनाव बहुत ही संघर्षपूर्ण है। ऐसा क्यों? अब की बढ़िया कैंडिडेट आया है, पहले समाजवादी के सामने कोई अच्छा कैंडिडेट आता ही नहीं था, अब इस बार एक बढ़िया कैंडिडेट जुझारू कैंडिडेट आया हुआ है, इसलिए चुनाव बहुत ही संघर्षपूर्ण होगा। लेकिन सर अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव। डिंपल यादव पारिवारिक पत्नी वो है, और जयवीर सिंह वो पूरी समाज से जुड़े हुए हैं, नगर से जुड़े हुए हैं, हर किसी के दुख दर्द में शामिल होते हैं, इसलिए उनसे तो कोई मिल ही नहीं पाता है, वो तो एक राजघराने की बहू है। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने ना उनको रोजगार पे बात करनी है, ना उन्हें एजुकेशन पे बात करनी है, ना उन्हें महंगाई पे बात करनी है, वो सिर्फ जो है धार्मिक मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर कम से कम बीजेपी वाले बात करें कि 10 साल उनकी सरकार थी, कि 10 सालों में उन्होंने बेसिक चीज़ों पर कितना काम किया। देखो बेसिक चीज़ें नहीं, लोग सुरक्षा देखते हैं, इस जब से योगी सरकार आई है तब हर बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित है, पहले कानवाई लगती थी मुलायम सिंह के ज़माने में, अब कोई कानवाई नहीं, अब बाबा का राज्य है और हर कोई इस राज्य में बड़ा सुख अनुभव कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की तो आपने बात की, लेकिन अखिलेश यादव या विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि बीजेपी सरकार में एक भी नौकरी बच्चों को नहीं मिली, जितने भी पेपर हुए सब लीक हो गए, इस पे क्या कहना है? इस पे तो घिरती है ना आपकी पार्टी सर। नहीं वो भी बात आपकी वाजिब है, लेकिन जो आपने कहा है ना पेपर लीक हो गया, वो तो ऐसे समाजवादी टाइम में भी काफ़ी लीकेज हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें पेपर होंगे इन इलाके में। लीकेज अगर हुए तभी तो उनकी सरकार चली गई, आपकी सरकार तो इसी बुनियाद पर आई थी ना कि आप हर चीज़ तो सुचारू ढंग से चलाएंगे, फिर जवाबदेही तो आप ही की बनती है। जवाबदेही बनती है, लेकिन हर विषय पर पहलू नहीं है, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हम लोग अपने को बहुत सुरक्षित महसूस समझ रहे हैं, हमारी बहू बेटी बहुत सुरक्षित है। आप नौजवान हैं, बैग वैग टांगे हुए हैं, क्या करते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष शर्मा है सर। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी मैनपुरी का नौजवान क्या सोच रहा है, किन मुद्दों पे वोट डालेगा नौजवान? अगर नौजवान की बात करें तो ज़्यादातर सपा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। माने तो क्योंकि जैसे कि आपने अभी पूछा था एक सवाल कि पेपर लीक को लेकर, उन सब सारी समस्याओं से हम लोग भी जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। और रही बात
मैनपुरी के युवाओं की, तो जब सपा सरकार थी इससे पहले जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं हमारे समझ से, तो उसमें भी मैनपुरी के लोगों ने, मैनपुरी के युवा सबसे ज़्यादा उन भर्तियों में गए हैं। इस वक्त मैनपुरी के एक बाज़ार में हम मौजूद हैं और मैनपुरी की लोकसभा जो चुनाव है वो 7 तारीख को वोटिंग होगी। यहाँ की जनता क्या कहती है, क्योंकि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से हैं और जयवीर सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो भाजपा से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं बाजार में, मैनपुरी की सड़क पे करहल रोड है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा रमेश चंद्र नाम। क्या माहौल चल रहा है चाचा इस वक्त मैनपुरी का? माहौल साहब समाजवादी का है, हमेशा से रहा और रहेगा। बढ़िया माहौल उनका शासन में चलता था यहाँ पे और उन्हीं का माहौल रहेगा यहाँ पे। डिंपल यादव जी पहले भी हमारे MP थी और फिर भी MP बनेंगे। दिक्कत क्या है जयवीर जी बताइए, मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं, आपके सारे काम होंगे, वो कह रहे हैं हम विकास की नैया बहाएंगे यहाँ पे, हम ही ने विकास किया मैनपुरी में। अभी तक 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, चौराहे पे मूर्ति लगा देंगे, ये मूर्ति हमको खाना थोड़ी दे रहे हैं। कोई जो हमारे मैनपुरी में कभी नहीं आए उन लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई है और इससे कोई जनता का लाभ नहीं है। इसकी मूर्ति के अलावा कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। क्या विकास हुआ है? किसान इतना परेशान है, दिन भर काम करता है, रात में गाय और साँड़ खेतों को साफ कर रही हैं, कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। हमारे युवाओं के लिए एक आर्मी की नौकरी ऐसी थी, हर घर में तैयारियां लोग करते थे, वो भी सरकार ने ख़त्म कर दी है। नौकरी मिले या ना मिले, कम से कम हमारे 4 बच्चे या 3 बच्चे हैं, कम से कम दौड़ तो लगाते थे, खाना बढ़िया खाते थे और उससे हमारे देश के युवा जो है तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन सरकार ने पानी फेर दिया साहब, अभी तक किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाई है और साहब बहुत परेशान है हम लोग सरकार से। 5 किलो बाजरा मिल रहा है, इससे क्या पेट पलेगा हमारा? सरकार तो कह रही है हम अनाज दे रहे हैं, गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, बता दो रहे हमारे हाँ, किसान सम्मान निधि मिल रही है। 3 बच्चे हैं और मियाँ भी हम 5 लोग हो गए, 5 किलो हम क्या दिन में खा पाएंगे? एक दिन के लिए नहीं है साहब, इससे क्या लाभ हो रहा है? इससे गरीबी बढ़ रही है, अमीरी नहीं बढ़ रही है, इससे गरीब हो रहा है देश हमारा। राशन देना गरीब को दो, अंधा लूड़ा लंगड़ा अपाहिज उसके लिए राशन है। हमारे घर 100 बोरा गल्ला भरा हुआ, हमको भी राशन, क्यों राशन दे रहे साहब आप? जिसको 70,000 मिल रहे उसको भी राशन चल रहा है, तो राशन का जो अधिकारी उसको दीजिए आप। 2,000 रुपये 4 महीने मिलते हैं, 500 रुपये महीना पड़ेगा, एक दिन यहाँ नमक में चले जाए। मोदी जी ने 5 साल राशन और बढ़ा दिया है, उससे क्या हमें कोई लाभ? गरीबी बढ़ेगी इससे, अमीरी नहीं बढ़ रही साहब, गरीबी बढ़ेगी। शराब पीने वाला जानता है हमको राशन मिल गया 2 दिन के लिए, वो पीने के लिए कमा लाएगा, कमाने नहीं जाएगा। अच्छा जो छुट्टा जानवर की आपने बात की, क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मैनपुरी के लिए? ये किसानों के लिए साहब बहुत बड़ा मुद्दा है। 70-70 गाय साढ़ एक खेत में जाएंगे, 2 बीघा गेहूँ है उसका साफ हो जाएगा, 2 बीघा मक्का उसकी साफ हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में, किसान बराबर चिल्ला रहा है, हम किसान यूनियन वाले भी चिल्ला रहे हैं सबको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी जयवीर जी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि गढ़ जो है समाजवादी पार्टी का ये पूरा समाप्त होने जा रहा है। नहीं यार, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता साहब। 55-56 साल क्यों नहीं हो सकता है? बदायूं गढ़ आपका साफ हो गया, आजमगढ़ साफ हो गया, कन्नौज गढ़ साफ हो गया, क्यों नहीं हो सकता? ये अब जनता वोट डालने के बाद भी साफ हो रहा है तो कुछ परेशानियां हैं जनता की तरफ से। गढ़ साफ करने कोई नियत नहीं है, बराबर वोट पड़ रहा है, बराबर वोट पड़ेगा। अब कहाँ पे क्या हो रहा है, हेरा फेरी हो रही, बेईमानी हो रही भाई जी। तो साहब और हैं उनसे बात करते हैं क्योंकि मैनपुरी की मिली जुली चीज़ें हैं। अरे चचा क्या नाम है आपका? सत्यम सिंह। यहीं के रहने वाले मैनपुरी के? हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? ठीक चल रहा है। अरे कमल या साइकिल? अब दोनों ही टक्कर लग रही भाई, तो टक्कर है। हाँ कह नहीं सकते हैं कौन वाले तो कह रहे हैं कोई टक्कर में नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, टक्कर तो है। हाँ अब वो आगे कौन जाए पीछे कौन जाए वो जाए। अच्छा, मैनपुरी के मुद्दे क्या होंगे आपके हिसाब से, लोकल मुद्दे क्या हैं, आप लोग किन चीज़ों पे इस बार वोट डालने जा रहे हैं? मुद्दे क्या, थोड़ा गायों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जो जानवर खेतों में किसान लोग दिक्कत में, ये समस्या ज़्यादातर है। हाँ गरीब और बेचारा परेशान है, अब खेती किसान तो है मारा ही जा रहा है खेती वजह से, और यहाँ कोई रोज़गार भी है नहीं मैनपुरी के अंदर, जो गरीब आदमी क्या करे, ये समस्या है। अब देख रहा आप क्या है। चलिए ये मैनपुरी की जनता है जिनका साफ कहना है कि मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी है,
7 तारीख को वोटिंग होगी, 4 जून को पता चलेगा कि आखिर किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है और कौन जीत का सहरा पहनने जा रहा है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, मैनपुरी।